स्टार न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के वर्धा से। मंगलवार की सुबह एक बेहद ही दर्दनाक हादसे की खबर मिली है। बीती रात पुल से नदी में कार गिरने से 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मेडिकल छात्र महाराष्ट्र के दवेली से महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जा रहे थे। मरने वाले छात्रों में ज्यादातर 20 से 35 साल के लोग बताए जा रहे हैं। घायलों को वर्धा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वर्धा के SP प्रशांत होलकर ने बताया कि सोमवार रात करीब 11:30 बजे सेलूसुरा के पास एक पुल से कार गिर गई। कार में सवार छात्र वर्धा जा रहे थे। हादसा कैसे हुआ इसके बारे में जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए PM आनाराफ के तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बता दें कि मृतक छात्रों में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक विजय रहांगदाले के बेटे आविष्कार रहांगदाले का भी नाम शामिल है। घटना में सभी की मृत्यु हो चुकी है। बलिया के रसड़ा विधानसभा से BSP के विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा है कि BJP और समाजवादी पार्टी में गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवादी नहीं रहे तो BJP और BJP नहीं है तो समाजवादी नहीं है। एक हिंदू को डराते हैं और एक मुस्लिम को डराते हैं। लोगों को डराकर दोनों लोग अपना काम निकालते हैं। तो बलिया से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उमाशंकर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि BJP और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही हैं, दोनों का गठबंधन है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को पूरा करती हैं। आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह बसपा के विधायक हैं जिन्होंने सीधे तौर पर BJP और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की पूरक हैं। जो समाजवादी नहीं रहते वो भाजपाई हो जाते हैं और जो भाजपाई नहीं रहते वो समाजवादी हो जाते हैं। एक हिंदुओं को डराने का काम करते हैं तो दूसरा मुस्लिमों को डराने का काम करते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को डराकर अपनी दुकान चलाते हैं। तो पिछली बार 2017 के चुनाव में यहाँ भाषण दे रही थी और भाषण में उन्होंने कहा था यही रसना में कि अगर आप लोग उस उमाशंकर को नहीं हराएंगे, उमाशंकरा को, ऐसे उन्होंने बोला था, तो फिर अगर नहीं हराएंगे तो फिर मैं रसना में मुंह नहीं दिखाऊंगी। इससे लग रहा था कि रसना के लोग बिना उनके बिना कितना परेशान है, मैं रसना में कदम नहीं रखूँगी। तो कहें तो बलियाँ जाती हैं इसी रास्ते से, रसना ही होके जाना है। और जो जब हमारे डिवाइडर पर अच्छे पौधे और अच्छी लाइटें देखते हैं तो उस पर सेल्फी भी खींचते हैं लोग। भाई दोनों में एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवादी न रहे तो भाजपा नहीं है, भाजपा न रहे तो समाजवादी रही है। एक एक हिंदू को डराते हैं, एक मुस्लिम को डराते हैं, और डरा के दोनों लोग अपना अपना काम करते हैं। दोनों लोग डरा करके करने वाले हैं। और यहाँ पर कोई रसना से आए उनका स्वागत है। हमारी जनता भाई पहले लोग आएंगे तो बॉर्डर पर फूल माला करेगी और फिर 10 तारीख को जो कुछ है उसी तरह से फिर विदा कर देगी। यहाँ पे तो स्वागत है। वही विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में होने वाले चुनावों का विगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम सियासी दल के नेताओं ने नामांकन कराया है। खास बात यह है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी और BJP के तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रत्याशियों ने साफ तौर पर कहा है कि योगी और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, सरकार जनता के हित में काम करेगी। तो बरेली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सिर पर है, मुहैने में खड़े हैं। तो ऐसे में नामांकन का दौर चल रहा है, टिकट वितरण का दौर चल रहा है और ऐसे में सियासी उठापटक के बीच तमाम नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी और BJP के तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी जीत का जो दावा कर रहे हैं तो वहीं नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रत्याशियों ने साफ कर दिया है। BJP के प्रत्याशियों ने साफ किया है कि वो योगी और मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे और सरकार जनता के हित में काम करेगी। हम योगी और मोदी के किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, देश की बेहतरी के लिए, देश का और विकास के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए तीसरी दफा आ रहे हैं। तो ये बताइए, अब आप दो टर्न्यू रह चुके हो, अब मोदी योगी के बाद अपने कोई काम बताइए ना जिन पे आप। आपका कहना बिल्कुल सही है। बरेली के अंदर हमने कई काम किए हैं। बरेली के अंदर एक हवाई अड्डा आइजट नगर स्टेशन के पास बन रहा है। आज नामांकन है और मेरा 90% चुनाव पूरा हो चुका है। मेरा दौरा, मेरा पब्लिक संपर्क, घर घर डोर टू डोर संपर्क एक बार हो चुका है, बस दोहराना बाकी है और प्रमाण पत्र लेना बाकी। मैं एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से पुनः जीत कर आ रहा हूँ। जहाँ तक
हमारी पार्टी के मुद्दे की बात है तो इस पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले से अंग्रेजों की नीतियों पर चल के भारतीय जनता पार्टी ने समाज में विध्वस्तता पैदा की, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया और उसी कारण से झूठ बोलकर जुमलेबाजी करके झूठे वादे और अजीब अजीब बातें करके लुभावनी सपने दिखा के इनने अपने पक्ष में हिंदुस्तान के आवाम को कर लिया। जनता एक तो राष्ट्रीय मुद्दों या प्रदेश के मुद्दों से और सबसे बड़ी बात है स्थानीय में तो बहुत ही त्रस्त है, तो स्थानीय मुद्दे हैं उनको दूर किया जाएगा, निश्चित ही जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी ने 5 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसमें सदर विधानसभा से चंद्रप्रकाश लोधी, बंदकी विधानसभा से दयालु गुप्ता, जहानाबाद विधानसभा से मदन गोपाल वर्मा, हुसैनगंज विधानसभा से उषा मौर्य और आहा शाह विधानसभा से बिशंबर निषाद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं सपा ने खागा विधानसभा से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के जो लिस्ट सामने आई है फतेहपुर के लिए, उसमें 5 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी के नाम जो है वो सार्वजनिक कर दिए हैं, जिसमें सदर विधानसभा से चंद्रप्रकाश लोधी चुनाव लड़ेंगे, वहीं बनकी विधानसभा से इस वक्त दयालु गुप्ता को टिकट दिया गया है, जहानाबाद विधानसभा से मदन गोपाल वर्मा चुनावी मैदान में होंगे, हुसैनगंज विधानसभा से उषा मौर्य और अया शाह विधानसभा से बिशंबर निषाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी की फतेहपुर के लिए लिस्ट सामने आई है, जहां पर 5 नामों पर मुहर लगा दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अभी तक आपको बता दें कि खागा विधानसभा से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में पत्नी के अवैध संबंधों के चलते पति 2 मासूम बच्चों को लेकर टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मासूम बच्चों सहित पति को टावर से नीचे उतारा। पति, पत्नी और बच्चों को पुलिस ने सखी केंद्र भेज दिया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, कानपुर देहात की तस्वीरें हैं, जहां पर बच्चों को लेकर एक व्यक्ति टावर पर चढ़ गया। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है, जिसको लेकर वो काफी आक्रोश में आ गया और टावर पर चढ़ गया। तो टावर पर चढ़ते हुए की तस्वीरें, जिसके बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कानपुर देहात की है। पुलिस ने फिलहाल बच्चों, पिता और मां को, सभी को सखी केंद्र भेज दिया है। मितौली थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में खेत में ही एक नाबालिग दलित किशोरी का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और शव को कब्जे में लिया है। मामले की छानबीन चल रही है। लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। खेत में मिला है नाबालिग का शव, इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि मितौली थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का एक पूरा मामला है, जहां खेत में गांव में एक नाबालिग दलित किशोरी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। लोगों का आरोप है कि दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया गया है, दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतका के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज थाना मितौली क्षेत्र अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवती का शव गन्ने के खेत में मिला है। यह युवती कल शाम अपने घर से जागरण देखने गई थी। प्रातः आज ग्रामीणों के द्वारा उस शव को देखा गया। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच के शव का पंचायतनामा किया गया। पंचायतनामा के दौरान युवती के गले में एक चोट का निशान देखने में आ रहा है एवं उसके शरीर पर अन्य किसी प्रकार की कोई चोट या कोई स्ट्रगल की बात सामने नहीं आ रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। परिवारजनों से डीप प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे पढ़ते हैं। मुरादाबाद जनपद के कांट विधानसभा के रहने वाले छात्र अभिनव चौधरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभिनव चौधरी से संवाद किया जाएगा।
अभिनव चौधरी वर्तमान में नवोदय विद्यालय बेंगलुरु में कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा पढ़ने लिखने के इच्छुक छात्रों को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स साइट बनाई गई है, जिससे जरूरतमंदों को फ्री में किताबें मुहैया कराई जा रही है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज छात्र के परिजनों ने और छात्र ने बात की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभिनव चौधरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही 1,00,000 की राशि भी अभिनव चौधरी को दी गई है। देखिए, आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें पूरे देश से 29 बच्चे चुने गए हैं, जिसमें हमारे यहाँ के बालक अभिनव कुमार चौधरी का भी इसमें चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश से 2 बच्चों का चयन हुआ है, एक अलीगढ़ से और एक हमारे यहाँ से अभिनव कुमार चौधरी जी का। तो इसके लिए मैं अभिनव कुमार चौधरी जी, उनके माता पिता जी और पूरे जनपद वासियों को बधाई देता हूँ। आज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के द्वारा डेवलप की गई है, उसके माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी ने कोविड को दृष्टिगत रखते हुए वर्चुअल मोड में इस कार्यक्रम को किया और इन बच्चों को सम्मानित किया और इन बच्चों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वार्ता की। बहुत कुछ कहना चाहूँगी, ऐसे ही मेरा बच्चा आगे बच्चों की मदद करता रहे। मालूम है आपके बच्चे ने क्या किया है, क्या हासिल किया है? बस किताबें, जिन बच्चों को किताबें नहीं मिल रही उनकी मदद करी है उसने अपनी तरफ से किताबें। आज जो आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या हुआ है? उसका बाल विकास में पुरस्कार मिला था प्रधानमंत्री के द्वारा, तो हमें वो मैसेज गया, तो हमारा बच्चा बेंगलोर है इस टाइम हमारे साथ में। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्र निरस्त होने पर आम आदमी पार्टी के मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी मेजर सरदार जोगिंदर सिंह ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर मौजूद सिविल लाइन थाना पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पर आम आदमी पार्टी के मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी मेजर सरदार जोगिंदर सिंह ने हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू कर दिया। बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मेजर सरदार जोगिंदर सिंह का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उसके नामांकन पत्र में कुछ खामियां बताकर उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया, जिससे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मेजर सरदार जोगिंदर सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने सरदार जोगिंदर सिंह से पेट्रोल से भरी कैन को छीन लिया। इस दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व प्रत्याशी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, मुजफ्फरनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी सरदार जोगिंदर सिंह ने एक हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू कर दिया। दरअसल वो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे थे और उनका आरोप है कि नामांकन पत्र में जानबूझकर कुछ खामियां निकाल दी गई, जिसके बाद उन्होंने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की कथित तौर पर, जिसके बाद वहां पर मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके का हाई प्रोफाइल ड्रामा मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में देखने को मिला है। ये पर्चा हमने परसों दाखिल किया था, कुछ इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई, दोबारा हमने एफिडेविट लगा के इसको फिर जमा करा दिया और हमें बताया गया कि 10 बजे आपको यहाँ पहुँचना है। अगर कोई इसके अंदर कमी बेसी होगी आपको स्कूटरी के द्वारा बताया जाएगा और आप उसको दोबारा भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ करेक्ट 9:45 पहुँच गया था, लेकिन 11 बजे तक जो हमारे रिटर्निंग अफसर हैं वो यहाँ पहुँचे नहीं और मैं 11 बजे तक वेट करता रहा। फिर जैसे ही रिटर्निंग अफसर आए, मेरा नाम बुलाया, नाम बुलाने के बाद मेरे को बताया कि ये आपका लागू नहीं है, यहाँ लागू नहीं है, 2 जगह आपने छोड़ दिया, इस आधार पे हम आपका पर्चा कैंसिल कर रहे हैं। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अरविंद बालियान, अभी मीरापुर विधानसभा से हमारे जो कैंडिडेट ने फार्म जमा किया था और उसकी जो त्रुटि थी, कल भी इन्होंने इन लोगों ने कैंडिडेट को बुलाया यहाँ पर, कैंडिडेट ने अपने आके जो इसका एफिडेविट था एफिडेविट दिया, कल उन्हें कोई कमी नहीं बताई गई, कल कह दिया गया आपका फार्म ठीक है। आज भी 10 बजे कैंडिडेट सब बुलाए गए और कैंडिडेट सही 10 बजे अपने अपने काउंटर पर थे। जो अधिकारी हमारे यहाँ पर आरओ साहब हैं, वे आरओ साहब 10:45 यहाँ पर आए और 10:45 उन्होंने आवाज़ लगानी शुरू की और हमारे कैंडिडेट को आवाज़ लगाई और फार्म हाथ में पकड़ा बिना किसी उसके कि आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया गया है। खबर रामपुर से है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ आज नामांकन करने के लिए पहुंचे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। शहर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना और बिलासपुर विधानसभा सीट से सरदार बलदेव सिंह औलख, मिलक विधानसभा सीट से राजबाला नामांकन करने के लिए आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। नामांकन के गेट पर सुरक्षा के दृष्टिगत भारी पुलिस बल तैनात दिखा। पुलिस बल ने जगह जगह चौराहों पर रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया था। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात था। इस बार फिर तालिबानी विरासत और दंगे और दबंगों की सियासत का सुपड़ा साफ होगा। अरे यार आईडी अन्नी और जो तालिबानी विरासत और दंगों और दबंगों की सियासत रही है उसका सुपड़ा साफ करने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए मैंने जो कहा कि आज कभी बहुत पहले हुआ करता था जो सांप्रदायिक और सोच से भरपूर एम वाई फैक्टर था, आज का एम वाई फैक्टर जो है वो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और लोगों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। और ये एम वाई फैक्टर जो है वो मोदी जी का है और योगी जी का है। और ये एम वाई फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान, उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। आज जो 3B ब्रदरहुड है, बलवाइयों का, बाहुबलियों का और बैतों का, उसमें बौखलाहट बहुत स्वाभाविक है। हमीरपुर में 25 जनवरी यानी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चली है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने इसका जायजा लिया। नामांकन स्थल बैरिकेडिंग का उन्होंने निरीक्षण किया है। हमीरपुर सदर विधानसभा के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन हुए। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। हमारे जनपद में 228 हमीरपुर और 229 राठ दो विधानसभाओं का नामांकन कल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन के पुख्ता व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से बैरिकेडिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नामांकन कक्षों में साफ सफाई के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया गया है। फरुखाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाना कमालगंज क्षेत्र के सिंगी रामपुर कटरी में किशोरी को 10 किलोमीटर दूरी पर ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसको बेरहमी के साथ मारा पीटा, जिसका उल्लेख पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के नाजुक अंग के अलावा गाल, गले, पैर के पंजों में, नाक, होंठ व सीने पर लगभग एक दर्जन चोटें पाई गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।